डिस्ट्रिक्ट जज संबलपुर तरफ़ आपण मानकर किसी पोस्ट बाहरी ओके जार ना हो जूनियर कॉपीस्ट एंड जूनियर टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री। तो टोटाल आपण 40 पोस्ट बाहरी तो से ही पोस्ट गुड़िक विषय में आज भिडियो फुल डिटेल्स इनफर्मेसन देवी आपको कमी डाउनलोड करके आपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और अप्लाई करने कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार और कमी अप्लाई कर डिटेल्स कहि। तो डिटेल्स जाने पर भिडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देखु। तो ये देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने आपर गूगल को जाकि संबलपुर डॉट एन आई सी डॉट इन बोली आपण मैंने सर्च करेंगे। सर्च कलापर आप इंटरफेस आसीज ओके संबलपुर मैंने डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट आसीज। तापर देखो राइट साइड मोर ऑप्शन अच्छी मोर क्लिक कलापर आपण मान नोटिस क्लिक करेंगे ओके एगेन मोर क्लिक करेंगे आपंकर रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट से आप क्लिक कलापर आपर पी डी एफ फाइल डाउनलोड करेंगे। देखो क्लिक कला पर मोर आसीगला रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट ओके एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री। तो ताको देखे डाउनलोड करेंगे आप देखते सिंपल गोटे अच्छी आप डाउनलोड करेंगे ओके। तो डाउनलोड हो सारापर आपल गोटे पी डी एफ फाइल आपको मिल जाव ओके ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज संबलपुर। तो देखो से तीनोटी पोस्ट ना जो कहती जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री। तो ये देखने प्रथम सैलरी के कौन रही देखो जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट 19,900 63,200 पर्यंत अच्छी जूनियर जूनियर टाइपिस्ट रही आपण 19,000 63,000 पर्यंत रही ओके एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री 25,500 81,100 पर्यंत रही ओके। एवं देखा वैकेंसी डिटेल्स जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट आपणकर टोटाल बाहरी 31 पोस्ट बाहरी अनरिजर्व 14 एस टी रोटी बाहरी एंड एस सी रोटी एंड एस सी बी सी रुईटी ओके। देन आप जूनियर टाइपिस्ट रोटी पोस्ट टोटाल बाहरी ओके जोटे थे कि आपंकर अनरिजर्व रही दुईट एंड एस टी रही गोटे एवं से भाई स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री टोटाल 6 पोस्ट बाहरी अनरिजर्व 4 एंड एस टी रुईट रही ओके जोटा कि टोटाल आपणकर 40 पोस्ट आपणकर बाहरी ओके। देखो ये 31 3 6 टोटाल 40 पोस्ट बाहरी। नेक्स्ट देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही आपण मैंने प्लस टू पास करेंगे देखे आपने प्लस टू पास करते अप्लाई करसत आपणकर डीसीए करते आप्लाय करेंगे। डीसीए मैंने आपर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जोटा कि आपर पीजी डीसीए कोर्स करते भी आप्लाय करेंगे ओके। तो नेक्स्ट देखो आपर एज लिमिट कौन रही एज आप रही नॉट बिलो 18 इयर्स एंड नॉट अबव 32 इयर्स ओके। तो आपण मैंने एस सी एस टी कि एस सी बी सी आपंपाई रिलैक्सेशन रही ओके। देखो ये 5 वर्ष रिलैक्सेशन रही है और ओमेन कैंडिडेट 10 वर्ष रिलैक्सेशन रही है फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट मैं भी रही ओके। तो एज को आपने कैलकुलेट करके अप्लाई करूँ। देखो आउ कौन रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपणकर जो मान जूनियर टाइपिस्ट पोस्ट जो मैंने अप्लाई कर 40 वर्ड पर मिनिट को आपण मैंने टाइप कर पार्थ दरकार ओके। एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री जो मैंने अप्लाई कर 18 वर्ड्स देखो हाफ पजेस्ट ए मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड आपने 80 वर्ड आपण मान टाइपिंग कर पार्थ दरकार 40 वर्ड्स इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश पर मिनिट ओके। नेक्स्ट देखा आपंकर मैंने आप्लिकेसन फी कौन रोच देखो आपर एस सी एस टी कैंडिडेट मैं ये किसी फी रोनी से पूरा फ्री में ओके और अदर कैंडिडेट जो मैंने से 100 टकर पड़ू जोटा कि आप्रेजरी चैनल द्वारा आपने पेमेंट करेंगे ओके। एवं तार लास्ट डेट रोचे आप्लिकेसन रिसीव कर लास्ट डेट रोचे आपण 9/7/2021 पर्यंत रही ओके। देखो 9/7 पूर्व आप्लाय करूँ और आप्लाय केमी करेंगे देखो ये अच्छी रजिस्टर्ड पोस्ट कि स्पीड पोस्ट द्वारा आपने अप्लाई करेंगे ये आड्रेस डिस्ट्रिक्ट जज संबलपुर ओके। तो जदि पोस्टाल न करते आपने इमेल आई डी द्वारा अप्लाई करेंगे। देखो आपंकर जिते सब आपर डॉक्यूमेंट्स रही मैंने जैसे मागिचे डॉक्यूमेंट्स से गुड़ी पी डी एफ फाइल करी आपने इमेल आई डी द्वारा भी सेंड करके अप्लाई करेंगे ओके। तो इमेल आई डी रही आपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संबलपुर @gmail.com यही इमेल आई डी आपने पी डी एफ फाइल सेंड करदे ओके। एवं देखो आपर कौन कौन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे से देखो आपर प्रथम हो ट्रेजरी चैनल आपने सेमिट करा पड़ो ओके।
ଯଦି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଫଟୋ କପିଟି ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଓକେ ଦେନ୍ ଫୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋ କପିସ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଟେନ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଫଟୋ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଇମେଲ୍ ଇମେଲ୍ରେ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଯାଇକି କଲେ ବି ତା'ର ମାନେ ଫଟୋ କପିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଦେବେ। ଓକେ ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ କପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ଫର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ସୋଇଂ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ସେ ଡିସିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବି ଫଟୋ କପି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ କୋର୍ସ ଯେଉଁ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫଟୋ କପି ଉଠାଇକି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ମାନେ ଜେରକ୍ସ କପିକୁ ସେଥିରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ, ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ମେନ୍ସନ୍ ଦ କାଟାଗୋରି ପୋଷ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଦେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍। ଓକେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲେଖିବେ ସେଠି, ମାନେ ଯେଉଁ ଏନଭେଲପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେବେ, ତ ସେଇ ଏନଭେଲପ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜୁନିୟର କପିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ସେଇ ଇମେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଏବଂ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କହିଲି ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଫର୍, ଏଠି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ତାହା ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଲଗାଇଦେବେ ଯାହା ଉପରେ ଏମିତି ସାଇନ୍ ଗୁଡ଼େ ଦେଇଥିବେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିକି। ଓକେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଇନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ରେ। ଓକେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ସେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟି ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ। ଓକେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଓକେ ତ ଏହା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବଂ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ।